नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग शक्ति कार्यक्रम में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 to 12 पर। डीटीएच के साथ साथ आप हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। और आपको बता दें कि आज के योग शक्ति कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। यह है योगिक मैनेजमेंट फॉर साइटिका। साइटिका से निजात कैसे पाएं, साइटिका से आप राहत कैसे पाएं, यही होगा आज की योगिक क्रियाओं में। और ये योगिक क्रियाएं आपके समक्ष करके दिखाने के लिए हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेटर और उन योगिक क्रियाओं को बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हैं नील कमल, जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हमारे साथ मुस्कान कपूर हैं, जो कि MD NIY में MSc की स्टूडेंट हैं। मुस्कान का भी हम स्वागत करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, और आप ये जानते हैं कि योग की ये क्रियाएं, योग का ये कार्यक्रम, योग शक्ति कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सौजन्य से। आपको ये भी बता दें कि इंटरैक्टिव सेशन है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम तक पोस्ट कर सकते हैं प्रश्न। उसके लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर है 8800440459, और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो है mdniy@yahoo.co.in। तो इन माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम तक अपनी क्वेरीज या अपनी प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम के संबंध में, आज के टॉपिक के संदर्भ में आप हम तक पोस्ट कर सकते हैं। और अगले 45 मिनट तक आइए जुड़ते हैं योग क्रियाओं के माध्यम से साइटिका के संबंध में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, और अगर आप प्रभावित हैं तो सिर राहत कैसे पाएंगे ये आप जानेंगे। सबसे पहले आज के मेहमान, आज के जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे मेरा प्रश्न ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि साइटिका के बारे में अवेयर ना हो, तो साइटिका होता क्या है और ये लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है? सर, पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे। जी, तो अगर हम बात करें कि साइटिका है क्या, जी, तो साइटिका एक तरीके की नर्व्स है। जैसा कि आप समझ जानते होंगे कि आपके मस्तिष्क के बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, तो उनमें से एक नर्व्स आपकी साइटिका होती है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है आपके पूरे शरीर। वो आपके मस्तिष्क से होकर आपके शरीर के सबसे पीछे के भाग से हिप तक और उसके नीचे के भाग तक जाती है। तो जब इसमें आपको दिक्कत होती है, साइटिका में, इस नर्व्स में वो कंप्रेस हो जाती है, तो आपको पेन फील होता है। पेन आपको अपने कमर के निचले हिस्से में, हिप पोर्शन में, और साथ ही साथ पैरों में, किसी एक पैर में या दोनों पैर में एक साथ हो सकते हैं। तो इसके लिए आप, ये एक पैर में जा रहा है तो भी समस्या है, दोनों पैर में जा रहे हैं तो वो भी समस्या है। जब ये पेन होता है आपको, तो उसका एक कारण है कि आपके नाप पर आपके स्पाइन की वजह से या तो प्रेशर आ रहा है, या फिर आपका जो स्पाइन है उसके जो डिस्क हैं वो जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं वो हो गया है, या हार्नियसन हो गया है डिस्क में, या फिर बोन का ओवर ग्रोथ हो जाना, ये कारण होते हैं जिससे कि उस नर्व्स पर प्रेशर आता है जो कि पेन में बदल जाता है। और जब यह पेन आपको होने लगता है तो वो नीचे की तरफ रेडिएट होता है, कमर के साथ साथ और हिप के साथ साथ, नीचे एक पैर में और हो सकता है कि दूसरे पैर में भी साथ में। जी, तो इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण और कारण क्या है? कारण तो आपने बता ही दिया कि कभी बोन्स ओवर ग्रोथ करती हैं तो उसकी वजह से नर्व दब जाती हैं, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं, कैसे लोग पहचाने कि उनको साइटिका की समस्या हो सकती है या वो प्रभावित हो सकते हैं? जी, अगर आपको कैसे पता चले, तो सामान्य रूप से जब आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं या फिर आप लेटे हुए हैं, तो सीधे लेटे हुए हैं, तो आप अगर देर तक लेटे हुए होते हैं तो आपको वो पेन होता है। बहुत देर तक आप बैठे हुए रहते हैं और आप अचानक से खड़े होते हैं तो पेन होता है आपके कमर के निचले हिस्से में, और वो पेन हमेशा रेडिएट होगा आपके पैरों की तरफ, वो मतलब बढ़ेगा, आपको अपने पैरों तक महसूस होगा वो पेन। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है साइटिका की सामान्य रूप से। उसके साथ साथ आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेकर उसके बाद ही निर्धारण करें कि ये पेन साइटिका का है या किसी अन्य कारण से भी हो रहा है। जी,
और क्योंकि हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं मुख्य रूप से बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, और छात्रों को स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, तो छात्रों में, छात्र की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उस उम्र में भी क्या साइटिका की समस्याएं हो सकती हैं? सामान्य रूप से जो मतलब एट पीपल को, मतलब जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको प्रभावित करता है यह, परंतु आजकल के बच्चों का जो दिनचर्या है थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने के कारण उनको भी प्रभावित करता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ज़्यादा रहते हैं, बैठकर आजकल जैसे कि वीडियो गेम से खेलने जैसी चीज़ें आ गई हैं तो, या और दूसरी चीज़ है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लंबे समय तक बैठने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाने लगती है धीरे धीरे। मेन है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो बच्चों को भी ये प्रभावित करता है, और सामान्य रूप से ये 40 to 45 एज या उससे ऊपर के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। जी, तो साइटिका क्या है ये आपने मोटे तौर पर समझ लिया, और किन लोगों को प्रभावित कर सकता है, यानी बच्चे भी इससे अछूते नहीं है, ये समस्याएं बच्चों में भी आ सकती हैं लाइफस्टाइल के कारण। तो आज साइटिका का सत्र शुरुआत करने का मैं आग्रह करूंगा सर से कि इससे निजात कैसे पाएं या इस तरह की समस्याओं का शिकार कोई ना हो, इसके लिए क्या योगी क्रियाएं हो सकती हैं? शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। तो अगर आप इससे प्रभावित हैं तो इसके लिए योगी क्रियाएं जो हम आपको कराने जा रहे हैं, अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो आप पूर्ण रूप से इससे जो प्रभावित हैं और इससे निजात पा सकते हैं। आप जितना आपको ये पेन देगा उतना ही यौगिक प्रैक्टिस आपके लिए लाभकारी भी होता है। तो आज के अभ्यास के लिए हम सर्वप्रथम कमर गर्दन को सीधा कर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और आँखों को कोमलता से बंद रखें। आँखें कोमलता से बंद रखते हुए 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। श्वास प्रश्वास करते हुए अपने शरीर को सहज और स्थिर करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने श्वास की तरफ ले आएं। एक ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात 3 बार शांति बोलेंगे और इसी के साथ हमारे अभ्यास की शुरुआत होगी। ओमकार है तो लंबा श्वास भरी, शांति शांति शांति। धीरे से पलक झपकाते हुए आंखों को खोलें। पहला अभ्यास हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे जो आपके शरीर में ऊर्जा को प्रभावित करेगा, आपके बॉडी को एनर्जेटिक करेगा। तो अभ्यास के लिए अपने यथास्थान पर आप बैठे रहें, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में जिसमें आप बैठे हुए थे। बैठने की स्थिति आपके लिए सहज हो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आँखों को धीरे से बंद करें, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति अपनी सजगता बनाएं। श्वास प्रश्वास पर सजग रहते हुए अभ्यास की शुरुआत के लिए लंबा श्वास भरें और पूर्ण श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। छोड़ने के पश्चात अपने एब्डोमिन पर स्ट्रोक करते हुए फोर्सफुली एक्सहेल करें। ध्यान रखें, इनहेल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करना है। लंबा श्वास भरे अभ्यास को रोकते हुए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं, शरीर को सहज करें। इसी अभ्यास को दोबारा से हम करेंगे। पुनः 30 स्ट्रोक के लिए लंबा श्वास भरे और पूरा श्वास बाहर छोड़े।
और फोर्सफुली ब्रीथ करते हुए अपने एब्डोमिन पर स्ट्रोक देना शुरू करें। थर्टी स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए तो लंबा श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वास को बाहर पुनः छोड़ें। शरीर को मस्तिष्क को सामान्य स्थिति में लाएं। शरीर को सहज रखें, मन को सहज रखें। कपालभाति से हुए अभ्यास को अपने मस्तिष्क और साथ ही साथ अपने शरीर पर महसूस करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें उसको। तत्पश्चात धीरे से पलक झपकाते हुए आंखों को खोलें। अब हम आसन की तरफ चलेंगे, तो आसन के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। समस्थिति में खड़े होंगे, समस्थिति अर्थात आपके दोनों पैर मिले हुए हों, दोनों हाथ आपके शरीर के बगल में सीधे हों, कमर गर्दन को पूर्ण रूप से सीधा करके रखेंगे, शरीर को आगे या पीछे झुका कर नहीं रखेंगे। पहला अभ्यास आसनों में ताड़ासन का अभ्यास है। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ अपने कंधे के बराबर उठाएं, उंगलियों को फैलाइए, उंगलियों को लॉक करिए और हथेली को बाहर की तरफ पलट दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ले जाएं सामने से ऊपर की तरफ अपने सर के, दोनों बाजू आपके कान से लगे हों और सामने की तरफ एक बिंदु पर फोकस करते हुए, यदि आप अपने पंजों पर आ सकते हैं बैलेंस बनाते हुए तो आ जाएं। जो बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो पैर को नहीं उठाएंगे और शरीर को पूर्ण रूप से सीधा खींच कर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति को रोकने का प्रयास करेंगे या आपके शरीर को पूर्ण रूप से खींचता है। धीरे से पैर के पंजों को जमीन पर रखें, हाथों को साइड से खोलते हुए ले आएं शरीर के बगल में, पैरों के बीच में अंतर करें, आंखें बंद करते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अभ्यास से जो आपके शरीर में परिवर्तन हुआ उसके प्रति अपनी सजगता बनाएं। ध्यान रखें, अभ्यास के पश्चात अपने शरीर को जरूर ऑब्जर्व करें, अपने शरीर पर पूर्ण रूप से सजग रहें, जिससे कि अभ्यास से आपको क्या प्रभाव हो रहा है यह आपको महसूस होता रहे। अगला अभ्यास हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। अभ्यास के लिए अपने जगह पर बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आपको बैठना है, अर्थात दोनों पैर को पीछे की तरफ मोड़ कर रखना है, दोनों एड़ियों को खुला हुआ रखना है और उन एड़ियों के बीच में अपने हिप को पेस्ट करते हुए आराम से दोनों हाथों को थाइस पर रखें, कमर गर्दन को सीधा रखें। अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के आगे एक अंतर पर दोनों हाथों को रख दें। आपका दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे होना चाहिए। अपने हिप को उठाइए और पूरा शरीर कैट पोज में, हाथों को थोड़ा सा और आगे रखें जिससे कि आपके शरीर को अभ्यास करने में मुश्किल ना हो। जितना दोनों हाथों के बीच में अंतर होगा उतना ही आपके दोनों घुटनों और पैर के पंजों में भी होगा। गर्दन को सीधा रखें और श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, कमर को नीचे की तरफ दबाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं। इसी को एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, कमर को नीचे की तरफ दबाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाइए, पूरा पेट का हिस्सा ऊपर की तरफ, गर्दन को अंदर की तरफ। धीरे से सामान्य स्थिति में आएं और पीछे की तरफ वज्रासन में पुनः बैठ जाएं। यह आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। अगर किसी भी प्रकार से आपके साइटिक नर्व पे कंप्रेशन है तो उसको रिलीज करने में सहायता प्रदान करता है। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध कपोतासन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए पुनः कैट पोज में आइए,
अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रखिए और अपने दाहिने पैर को आगे की तरफ ले आकर दोनों हाथों के बीच में रखें। पैर के पंजे को सर्वप्रथम, तत्पश्चात घुटने को गिराते हुए रख दें पूरा जमीन पर। पीछे पैर सीधा करें, दोनों हाथों को अपने साइड में रखें पैरों के और धीरे से अपने स्पाइन को हल्का सा पीछे की तरफ दबा के रखें। झुकाने का प्रयास करें। यह है आपका अर्ध कपोतासन का अभ्यास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति को कुछ सेकंड रोकने के पश्चात इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ करेंगे। इस स्थिति से वापस आएं, पैर को ले जाएं पीछे की तरफ और दूसरा पैर आगे की तरफ लेकर आएं। अभ्यास को दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहने का प्रयास होगा। कभी भी अभ्यास के बीच में अपने श्वासों को ना रोकें। धीरे से स्थिति से वापस आइए और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य स्थिति में दोनों हाथों को रखें अपने थाइस पर। एक बार पुनः अपने द्वारा किए गए अभ्यास से हुए प्रभाव को अपने शरीर पर देखने का प्रयास करें। बंद आँखों से पूर्ण रूप से अपने शरीर के प्रति सजगता बनाएं। शरीर सहज हो, स्थिर हो। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध कपोतासन का मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन के अभ्यास के लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों को पीछे की तरफ सीधा करके रखें। अपने ठोड़ी को पहले ऊपर की तरफ उठाएं दोनों हाथों को सपोर्ट लेते हुए और गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के रखें। प्रयास करें, अगर आप दोनों कोहनियाँ मिला के रख सकते हैं तो कोहनियों को मिला के रखें। पीछे पैर के पंजों को खोल के रखेंगे बाहर की तरफ और अपने स्पाइन पर हो रहे प्रभाव को महसूस करें, जो आपके कमर के भाग पर, आपके पीठ के भाग पर प्रभाव हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। धीरे से अभ्यास से वापस आएं, अपने गर्दन को नीचे ले जाएं, हाथों का सपोर्ट हटाएं, दोनों हाथों का तकिया बनाई और सामान्य रूप से लेट जाएं। अगला अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास है। दोनों पैरों को पीछे से सीधा करें, पैर के पंजों को मिला दें आपस में, पंजों को फ्लैट करके रखिएगा पीछे की तरफ। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखें, अपने फोरहेड को फ्लोर पर लगा के रखें। भुजंगासन के अभ्यास के लिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने गर्दन को उठाइए। गर्दन उठ जाए तो चेस्ट उठाएं और चेस्ट उठ जाए तो अपर एब्डोमेन अर्थात नाभि से ऊपर के भाग को उठा दें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। स्थिति आपके लिए सहज हो। अगर आपको किसी भी प्रकार से मुश्किल पैदा कर रहा है तो अभ्यास से तुरंत ही वापस आने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो रोकें कुछ सेकंड के लिए, तत्पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अभ्यास से वापस आएं। एक बार पुनः पैर के पंजों को पीछे की तरफ खोल दें पीछे से, दोनों हाथों का तकिया बनाकर रिलैक्सिंग अवस्था में आ जाएं और अपने आप को आरामदायक अवस्था में रखते हुए अपने शरीर पर हुए प्रभाव को महसूस करने का प्रयास। अगला अभ्यास अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः शरीर को लेटी हुई समावस्था में लेकर आइए, पैर को पीछे से मिला दें, दोनों हाथ शरीर के बगल में सीधा रखिए, अपने ठुड्डी को जमीन पर लगा के रखें, एक पैर को अपने राइट लेग को अपने कमर पर जोर लगाते हुए उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे यथासंभव उठाकर रखें, पैर को सीधा रखेंगे, घुटने से मोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति को कुछ सेकंड के लिए रोकें, तत्पश्चात धीरे से पैर को नीचे ले जाएं और इसी अभ्यास को दूसरा पैर उठाकर करेंगे।
अपने लेफ्ट लेग को उठाइए यथासंभव जितना आप उठा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको उठाने के दौरान पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो उतना ही ऊपर उठाएंगे जहां पर आपको पेन महसूस नहीं होगा। अगर पेन नहीं होता है तो जितना आप उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकेंड रोकने के पश्चात धीरे से पैर को ले जाएं नीचे और पुनः आरामदायक अवस्था में आ जाएं। दोनों हाथों का तकिया बनाकर पीछे पैर के पंजों को खोल दें। एक बार पुनः विश्राम अवस्था में अपने शरीर पर, खास करके अपने कमर के भाग में हुए परिवर्तनों पर अपना ध्यान देने का प्रयास करें। आपकी सजगता ही आपके योग अभ्यास को बेहतर बनाता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप पूर्ण अभ्यास के दौरान अपने शरीर, अपने मन और मस्तिष्क के प्रति सजग रहें। अगला अभ्यास है एक पाद उत्तानासन का अभ्यास। अभ्यास के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने स्थिति में परिवर्तन करें, पीठ के बल लेटी हुई स्थिति में आ जाएं। लेटी हुई सम स्थिति, दोनों हाथ शरीर के बगल में सीधा, दोनों पैर आपके सीधे होंगे घुटने से। अपने धीरे धीरे राइट लेग को उठाएं 30-45 डिग्री के बीच में, पंजे को सामने की तरफ खींच के रखेंगे। यथासंभव रोक कर रखने का प्रभाव प्रयास करें। रोकने के पश्चात धीरे धीरे पैर के पंजों को ले जाएं जमीन पर। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से अपने लेफ्ट साइड से करें। 30-45 डिग्री के बीच में उठाएं पैर को, पंजे को सामने की तरफ खींच के रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ सेकेंड तक रोकना है, तत्पश्चात धीरे से पैर को नीचे ले जाएं। हथेली को आसमान की तरफ पलट दें, शरीर से थोड़ा दूरी पर पैरों में गैप बनाइए और एक बार पुनः विश्राम अवस्था में रहते हुए अपने शरीर पर हो रहे प्रभावों को देखने का प्रयास करें बंद आंखों से। विश्राम के पश्चात वापस आएं, पैरों को पुनः मिलाएं, लेटी हुई सम स्थिति में आइए। हथेली जमीन की तरफ हो, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए हों। अगला अभ्यास अर्धहलासन का अभ्यास। अभ्यास के लिए पैर को सीधा रखना है, दोनों मिलाकर रखना है। कमर पर जोर लगाते हुए सीधा पैर को धीरे धीरे उठाएं और 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करें। पंजों को अंदर की तरफ खींच दें, पैर सीधा रखेंगे। कुछ सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहने का प्रयास कुछ सेकंड के लिए। पूर्ण रूप से अपने शरीर के प्रति सजग रहना है आपको। धीरे धीरे पैर को जैसे उठाया था सीधा, उसी तरीके से जमीन पर वापस ले जाएं। ध्यान दें, जब आप पैर नीचे ले जाएं तो आपके एड़ियों में बहुत तेज़ी से झटका ना लगे, यह आपको इरिटेट कर सकता है। पुनः विश्राम अवस्था में एक बार आएं, अपने पैरों में गैप बना दें, हथेली आसमान की तरफ। शरीर को सहज, स्थिर और पूर्ण रूप से विश्राम अवस्था में रखें। अपने अभ्यास से हुए परिवर्तनों पर अपनी सजगता बनाने का प्रयास। अगला अभ्यास करेंगे सुप्त कपोतासन का अभ्यास। पैरों को पुनः मिलाइए दोनों, हथेली जमीन की तरफ। दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, पैर के पंजों को अपने हिप के पास से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखने का प्रयास करेंगे और अपने दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर के घुटने पर पैर के पंजे को पेस्ट करें। अपने बाएं पैर को उठाइए जमीन से और अपने दोनों हाथों से बाएं पैर के थाई को पकड़कर अंदर की तरफ धीरे धीरे खींचने का प्रयास करें। जितना आप अपने चेस्ट के पास ले आ सकते हैं ले आने का प्रयास करें। कुछ सेकेंड के लिए रोकें इसको। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से आप श्वास को रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा।
अभ्यास से वापस जाने के लिए दोनों हाथों का लॉक खोलिए। पैर को सर्वप्रथम जमीन पर रखिए, बाएं पैर को, और दाहिने पैर के पंजे को वापस जमीन पर रखें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ करेंगे। अपने बाएं पैर को उठाइए और दाएं पैर के घुटने के पास पैर के पंजे को रखें। दाहिने पैर को उठाएं जमीन से, चेस्ट के पास लाते हुए दोनों हाथों से थाइस को पकड़ लें और यथासंभव अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करें। इस आसन में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उतना ही करेंगे जहाँ तक आपको पेन महसूस नहीं होगा। किसी भी अभ्यास में अपने शरीर में दर्द को बढ़ाना नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे अगर आप साइटिका से प्रभावित हैं तो। धीरे धीरे वापस जाएं, हाथों को लॉक खोलिए, हाथों को शरीर के बगल में रख दें, पैर के पंजे को जमीन पर रखें, दूसरे पैर के पंजों को जमीन पर रखें और पैर को सीधा कर दें। पुनः एक बार विश्राम अवस्था में आएं। आरामदायक स्थिति में रहते हुए अपने अभ्यास के परिवर्तन पर पुनः एक बार सजगता बनाएं। अगले अभ्यास के लिए पुनः पैरों को मिलाइए, साम्य स्थिति में वापस आइए। अगला अभ्यास है एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास। एक पाद पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें घुटने को। दोनों हाथों को उठाएं, घुटने के ऊपर से लॉक करके पकड़ लें। तत्पश्चात धीरे से दबाव डालिए अपने पैर पर और घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास रखेंगे। दूसरा पैर सीधा होगा, पंजा आपको ना आगे की तरफ गिराना है ना अंदर की तरफ खींचना है। सामान्य रूप से पैर के पंजे को रखेंगे। कुछ सेकंड तक रोक कर रखें अभ्यास को। तत्पश्चात पहले हाथों का लॉक खोलिए, हाथों को जमीन पर रखिए और धीरे से पैर को जमीन पर रखते हुए पैर को सीधा कर दें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर घुटने से मोड़ते हुए ले आएं चेस्ट के पास। दोनों हाथों को पुनः ले जाएं अपने घुटने के ऊपर से पकड़ें और यथासंभव घुटने को चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। दूसरा पैर घुटने से सीधा रखेंगे, जमीन पर पूर्ण रूप से लगा हुआ हो। रोक कर रखें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। स्थिति में कुछ सेकंड के लिए बने रहें। पूरा ध्यान आपके अपने शरीर पर हो, पूरा सजग हो अपने शरीर पर, अपने अभ्यास पर। धीरे से दोनों हाथों का लॉक खोलें, हाथों को जमीन पर रखें और पैर को सीधा कर दें। पुनः एक बार विश्राम अवस्था में जाएं। पैरों में गैप बनाएं, हथेली आसमान की तरफ। अभ्यास से जो आपके शरीर पर परिवर्तन महसूस हो रहा है, उस विशेष भाग में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था, आपका पैर, आपका हिप और आपका कमर, उसको विशेष रूप से ऑब्जर्व करें। अगला अभ्यास मरकटासन का अभ्यास। दोनों पैरों को पुनः मिलाइए, समी स्थिति में वापस आइए लेटी हुई। अपने पैर को घुटने से मोड़ें, अपने दोनों पैर के पंजों को अपने हिप से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। पूर्ण रूप से अपने हिप के पास नहीं रखना है, हल्का सा पैर को आगे की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को साइड में खोल दें 90 डिग्री पर और अपने दोनों घुटनों को अपने दाएं साइड में अर्थात राइट साइड में धीरे धीरे गिरा दें। पैर दोनों मिले हुए होंगे घुटने से पैर के पंजों से। अपने गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में घुमाएं और अपने स्पाइन को अर्थात अपने रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहें। यह आपके कमर के भाग को, आपके पूरे रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। पूर्ण रूप से अपने शरीर पर सजग रहना है, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहना है।
वापस आने के लिए सर्वप्रथम गर्दन को सीधा करें और दोनों पैरों को धीरे धीरे साथ में उठा दें, बीच में रोकें। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों पैरों को इस बार बाएं साइड में गिराएं, घुटने से पैर के पंजों से दोनों पैर मिले हुए हों। गर्दन को अपनी विपरीत दिशा में घुमा दें, आंखों को बंद रखते हुए अपने कमर पर, अपने स्पाइन पर पूर्ण रूप से ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ के रखें। हर एक श्वास प्रश्वास आपके शरीर को सहज करता रहे, कंफर्टेबल करता रहे। स्थिति से वापस आने के लिए अपने गर्दन को सर्वप्रथम सीधा करें, तत्पश्चात दोनों पैरों को साथ में उठाएं, बीच में रोकें, हाथों को ले आइए साइड में वापस, अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें। अगला अभ्यास शवासन का अभ्यास है। दोनों पैरों के बीच में अंतर बना दें। जिस भी आप मैट या दरी पर हैं उसके कॉर्नर तक 1 से 2 फीट का अंतर बनाएं पैरों के बीच में। दोनों हाथों को शरीर से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर हथेली आसमान की तरफ करते हुए खोल दें। गर्दन सीधा रखेंगे, आंखों को बंद रखते हुए अपने श्वास के प्रति सजग हों और श्वास के प्रति सजग होते हुए शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ें। एक एक पार्ट को अपने पैर के पंजों से देखते हुए पैर के पंजों को, काफ मसल्स को, घुटनों को, थाइस को, हिप को, अपने कमर के भाग को, पूरे स्पाइन को, एब्डोमिन को, चेस्ट को, दोनों कंधों को, दोनों हाथों को, हाथ के उंगलियों को, गर्दन को, अपने चेहरे को और अपने मस्तिष्क को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। आपके अभ्यास से जो भी आपको थकावट महसूस हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करें। शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम अवस्था में लाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस मुद्रा में आपको निद्रा ना आए। अपने शरीर के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। आप शवासन में हैं, इस बात का भी अपने मस्तिष्क में ध्यान रखें। विश्राम करने के पश्चात धीरे से वापस आएंगे और हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। पैर को मिलाइए, हाथों को पास में करिए, अपने बाएं साइड में करवट लें, बाएं हाथ का तकिया सर के नीचे लगाएं, दाहिने हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठकर किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने आंखों को बंद रखते हुए 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। श्वास प्रश्वास करते हुए अपने शरीर को इस बैठी हुई अवस्था में सहज करें और अपने श्वासों के प्रति अपनी सजगता बनाएं। प्राणायाम के अभ्यास में पहला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने चेहरे के सामने लेकर आएं। अपने हाथ की पहली दो उंगलियों को मोड़ते हुए नासिका मुद्रा धारण करें। पहली दो उंगलियों को मोड़ें, अंगूठे के मूल के पास लगाएं, यह नासिका मुद्रा है आपकी। अपने दोनों हाथ को चेहरे के सामने रखते हुए सर्वप्रथम दोनों नासिका से लंबा श्वास भरें और पूरा श्वास बाहर करें। तत्पश्चात अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से बहुत ही धीमी गति से श्वास भरने का प्रयास करें। श्वास भरने के पश्चात बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका को धीरे से खोलें और धीरे धीरे पूर्ण श्वास को उसी गति से बाहर छोड़ दें जिस गति से आपने श्वास भरा। श्वास छोड़ने के पश्चात पुनः सेम स्पीड से श्वास भरें अपने दाहिने नासिका से।
पूर्ण रूप से श्वास भर जाए तो बंद करें दाहिनी नासिका को और बाएं नासिका को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। यह एक चक्र का अभ्यास हुआ, स्वयं से दो और चक्रों का अभ्यास करने का प्रयास करें सहज और स्थिर रहते हुए। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को शांत करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। आपको अभ्यास से जो भी आपको थकावट है उसमें आरामदायक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ जो अगर आप साइटिका से प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उससे आपको स्ट्रेस बहुत होता है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही सहायता करता है। आपको ध्यान देंगे, आपने बाएं नासिका से श्वास भर के अभ्यास को शुरू किया था। जब आप बाएं साइड से श्वास को छोड़ देंगे तो हाथ को वापस ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। यह नाड़ी शोधन का अभ्यास था। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लेकर आएं, दोनों कोहनियाँ बाहर की तरफ खुली हुई हों। अपने हाथ की उंगलियों को अब पेस्ट करेंगे, पहले उंगलियों को अपनी पलकों पर बहुत ही सहज बिना किसी दबाव के, दूसरी उंगलियों को अपने नासिका के बगल में, तीसरी उंगली अपर लिप के ऊपर, चौथी उंगली लोअर लिप के नीचे। इस अवस्था में अब आपको दोनों कानों को अंगूठे से बंद करना है और लंबा श्वास भरकर भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से हाथों को वापस ले आए, ज्ञान मुद्रा में रख दें। अपने आंखों को बंद करके रखेंगे। अभ्यास से आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव हुआ है इसको एक बार ऑब्जर्व करने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने श्वास की तरफ लेकर आएं। श्वास की तरफ सजगता रखते हुए एक बार अपने सभी अभ्यासों को क्रमशः याद करने का प्रयास करें। आपने क्या क्या अभ्यास की एक बार याद कर जाएं मन ही मन सभी अभ्यासों को, अभ्यासों को याद करते हुए पुनः ध्यान अपने श्वास पर, श्वास प्रश्वास के प्रति सजग, साथ ही साथ अपने शरीर के प्रति सजग, शरीर की अवस्था के प्रति सजग। ये था आज का हमारा अभ्यास। अब हम शांति मंत्र के साथ अभ्यास की समाप्ति करेंगे। शांति मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास भरें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं, अपने वक्षस्थल के सामने अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों के बीच में
अच्छे से घर्षण करें। हथेलियों को पूर्ण रूप से गर्म करें। गर्म हो जाएं तो अपने चेहरे को, खास करके पलकों के भाग को ढकें। गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे पलक झपकाते हुए खोलें, धीरे से वापस आ जाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो योगिक मैनेजमेंट फॉर साइटिका, साइटिका क्या समस्या है ये आपने शुरुआत में ही जान लिया था, और किस तरह से अलग अलग योगिक क्रियाओं के माध्यम से आप साइटिका से मुक्ति पा सकते हैं, जो कि मस्तिष्क की एक नस होती है और नर्व होती है, ये रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है, पैर के पिछले हिस्से में, नीचे के भाग में इसमें दर्द होता है, तो ये आप पहचान सकते हैं और आज जो योगिक क्रियाएँ आपने देखी उनको करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ आज के समय में, हर शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या के बारे में जोड़ कर देखा जाता है, वो है लाइफस्टाइल। तो सर, लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन करने के साथ क्या हम साइटिका जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है हमें? जी, आपका दिनचर्या ही आपके किसी भी समस्या का कारण हो सकता है, कि आपका दिनचर्या कैसा है। अगर आपका दिनचर्या बेहतर नहीं है तो समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमारा आचार विचार, हमारा आहार कैसा है, यही हमारे शरीर को प्रबंधन करने में सहायता करता है। तो अगर आप साइटिका से प्रभावित हैं तो इन अभ्यासों के माध्यम से आप अपने साइटिका की समस्या को दूर कर सकते हैं, आप सर्जरी से बच सकते हैं। अगर आप साइटिका से प्रभावित नहीं हैं तो इन अभ्यासों के माध्यम से अपने शरीर को फ्लैक्सीबल रख सकते हैं, अपने स्पाइन को फ्लैक्सीबल रख सकते हैं, जिससे कि आप को ये समस्या उत्पन्न ना हो। खाने की बात करें तो आप अगर इसे प्रभावित हैं तो अपने खाने को बहुत ही हेल्दी रखें, जिससे कि आपको इसमें प्रोटीन की मात्रा को कम रखना चाहिए अगर इस समस्या से ग्रसित हैं आप। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बेहतर करके रखें। और दूसरी चीज़ है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ में लाने का प्रयास करें। जो चीज़ आपके नर्व्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि कॉफ़ी या फिर टी, एल्कोहल, सिगरेट, इन सब चीज़ों से ज़रूर बचें। वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने में हेल्प करता है नर्व्स को। पानी की मात्रा को शरीर में पूर्ण रूप से रखें। अभ्यास को नियमित रूप से करें। अभ्यास में किसी भी प्रकार का गैप नहीं करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। जी, बहुत सुंदर। तो लाइफस्टाइल के माध्यम से भी आप साइटिका की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और अब मैं करना चाहूँगा धन्यवाद अपने दोनों मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े थे नील कमल, जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और साथ ही साथ योगा डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हमारे साथ मुस्कान कपूर जुड़ी थी MD NIY में, जो MSc की स्टूडेंट हैं। मुस्कान का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब हम धन्यवाद करेंगे अपने दर्शकों का भी, और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को जानकारी भी देंगे पाठ्य पुस्तकों के संबंध में। 2023 और 24 का पाठ्य सत्र चल रहा है, और इस सेशन के लिए अगर नई पाठ्य पुस्तकें आप अब तक नहीं ले सके हैं, नहीं खरीद पाए हैं किसी वजह से, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद पाठ्य पुस्तकों में बदलाव हुए हैं और कई जगहों पर पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच सकी हैं, तो अभी भी आपके सामने विकल्प मौजूद हैं। आप सेल्स काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, जो है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता गुवाहाटी में। ये सेल्स काउंटर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये रविवार के दिन यानी 7ों दिन भी आप यहाँ से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं पुस्तकें जो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। इसके लिए पता है ncertbooks.ncert.gov.in। और अगर आप ऑनलाइन वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस लॉग ऑन कर सकते हैं, जो है NCERT, ई पाठशाला और दीक्षा। इन माध्यमों से आप ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकें अपने विषय की और अपने क्लास की, अपनी कक्षा की डाउनलोड कर सकते हैं, और उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं या प्रिंटआउट ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब मैं चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से इजाज़त इस सत्र को यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप ई दीक्षा के साथ, आप ई विद्या के साथ लगातार जुड़े रहिए तमाम शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।